वैसे तो बैटमैन एक फिक्शनल कैरेक्टर है, बट इस कैरेक्टर से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत लेसन सीख सकते हैं जो हमारी रियल लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। और बैटमैन की वजह से ही मैं अपनी लाइफ की सबसे पहली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया था और मेरी लाइफ में काफ़ी सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होती रही बैटमैन से इंस्पायर होकर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बैटमैन से मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, कैसे मेरी इंप्रूवमेंट हुई और कैसे कैसे मैंने उन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग अपनी हेल्थ परफॉर्मेंस एंड फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो बैटमैन से मैंने चार लाइफ लेसन सीखे, चार लाइफ की ऐसी बातें सीखी जिनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई एंड आई नो आप लोगों को भी ये चीज़ें ये बातें ज़रूर हेल्प कर सकती हैं। तो बचपन से ही मुझे सुपर हीरो मूवीज़ का काफ़ी ज़्यादा शौक था। जो बैटमैन का कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इतने सारे सुपर हीरोज़ में, और उसके भी कुछ रीज़न थे। उसी कैरेक्टर से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत कुछ सीखा और अपनी फिटनेस जर्नी में आज तक मैं उसी कैरेक्टर से इंस्पायर होकर ग्रो हो रहा हूँ। बैटमैन से मैंने चार लाइफ लेसन सीखे हैं, तो मैंने इनको एक तरह से कैटेगराइज कर रखा है, आप कह सकते हैं रैंक कर रखा है चारों को। तो मैं स्टार्ट करूंगा फोर्थ लेसन से। तो फोर्थ लेसन है हमारा, टू अचीव समथिंग यू हैव टू सैक्रिफाइस। ये कहावत काफी ज्यादा कही जाती है, हिंदी में भी आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब जो बैटमैन का कैरेक्टर था वो भी कुछ ऐसा ही होता है। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बैटमैन अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है, अपनी टीनेज, अपना यूथ, अपना लव, अपनी लाइफ सब वो सैक्रिफाइस करता है क्राइम से फाइट कर गॉथम में क्राइम खत्म करने के लिए। इसी बात से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ था जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी। तो मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई, अगर मुझे फिट होना है, वेट लूज करना है, तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और सैक्रिफाइस था मेरी 2 घंटे की नींद। जिस टाइम मैंने क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी देखी थी, उस टाइम मैं क्लास 12th में था। तो उस टाइम ऐसे ही होता था, स्कूल देन ट्यूशंस, तो टाइम नहीं होता था वर्कआउट करने का, और मैं चबी हो चुका था। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी और उसके लिए ऑब्वियसली मुझे फिट होना था, मुझे वजन अपना कम करना था। उसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, सुबह 4:30-5 बजे उठ के मैं रनिंग करने जाऊँ, देन फिर स्कूल जाऊँ और उसके बाद में ट्यूशन वगैरह, जो मेरा शाम का रेगुलर शेड्यूल होता था, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट उस कैरेक्टर से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि हाँ, अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी। और हाँ, बिल्कुल करा। मेरा खैर रिजल्ट तो अचीव नहीं हुआ क्योंकि मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी चीज़ की, बट हाँ मैंने काफ़ी कुछ सीखा। एक माइंडसेट मेरा डेवलप हुआ कि हाँ, मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर मुझे कुछ अचीव करना पड़ता है। फिटनेस में ऐसा कोई बड़ा रिजल्ट नहीं देखा था, बट उसी मेंटेलिटी की वजह से मैंने हमेशा फिटनेस कंटिन्यू रखी और आज मैं यहाँ हूँ और मैं आगे ग्रोथ ऐसे ही करता रहूँगा इसी माइंडसेट की वजह से जो मेरा उस टाइम डेवलप हुआ था कि मुझे सैक्रिफाइस कुछ करना पड़ेगा कुछ अच्छी चीज़ को पाने के लिए। नंबर थर्ड जो है वो है एनिमीज एंड चैलेंजेस हेल्प्स अस टू ग्रो। आपने काफ़ी बैटमैन मूवीज में देखा ही होगा कि उसके नए चैलेंजेस होते हैं, नए एनिमीज होते हैं जो हमेशा उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और रियल लाइफ में भी ये चीज़ होती है, आपको एनिमीज की जरूरत नहीं। अगर आप, मैं यहाँ बात चैलेंजेस की करूँगा, उनको मैं एनिमीज की तरह देखता हूँ। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं, आप चैलेंजेस फेस नहीं करते, तो सीरियसली यू कैन नॉट ग्रो, आप बेटर नहीं हो सकते। वो आपकी फिटनेस जर्नी में चैलेंज हो या आपकी लाइफ में चैलेंज हो, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, अगर आप उसे फेस नहीं करते या आपकी लाइफ में चैलेंजेस वैसे नहीं आते, तो आपकी ग्रोथ भी नहीं हो सकती। जो सेकंड नंबर पे लेसन है वो है कीप द बेस्ट एंड डिस्कार्ड द रेस्ट। यानी जो बेस्ट चीज़ें हैं आप उन्हें सीखिए, उन्हें अपने दिमाग में स्टोर कीजिए, और जो बात आपके लिए यूजफुल नहीं है आप उसे हटा दीजिए। वैसे ये बात तो ब्रूस ली ने कही थी, बट उस टाइम मेरे को ब्रूस ली के बारे में इतना पता नहीं था, तो मैंने ये चीज़ ब्रूस वेन से सीखी, बैटमैन से। बैटमैन होता है वो वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर मार्शल आर्ट्स में ट्रेन होता है, तो अपनी पूरी लाइफ यही करता है, हर मार्शल आर्ट में खुद को ट्रेन करता है, हर पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स में जो बेस्ट चीज़ों को सीखता है और बाकी जो उसके काम की नहीं होती वो उन्हें साइड करता है, उन्हें नहीं सीखता। तो ऐसे ही करते करते वो अपने अंदर हर स्किल डेवलप करता है, अपनी एजिलिटी, बैलेंस, मार्शल आर्ट, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, वो हर चीज़ अपनी ऐसे ही बिल्ड करता है। वो हर ट्रेनिंग टाइप में से बेस्ट चीज़ सीखता है और बाकी इग्नोर करता है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं, बैटमैन मेंटली और साइकोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यही उसकी मेंटेलिटी होती है कि वो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता है और जो उसके काम की नहीं होती वो उसे साइड करता है। यही चीज़ ने मुझे मेरी फिटनेस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा। आपने देखा होगा कि मेरा जो वर्कआउट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक टाइप के नहीं होते, मैं हाइब्रिड ट्रेनिंग करता हूँ। मैं हर ट्रेनिंग डिसिप्लिन में से कोई ना कोई एक्सरसाइज करता हूँ, कैलिस्थेनिक्स, रिंग वर्कआउट्स, मार्शल आर्ट्स, पावर लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग, मैं हर चीज़ मिक्स रखता हूँ। जो मेरे वर्कआउट्स होते हैं वो इन सब का मिक्सचर होता है, और उसका रीज़न यही है कि मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड का एथलीट नहीं हूँ, मैं कोई कैलिस्थेनिक एथलीट नहीं हूँ, मैं पावर लिफ्टर नहीं हूँ। तो इसलिए मैं हर ट्रेनिंग डिसिप्लिन में से डिफरेंट एक्सरसाइज को चूज़ करके जो मेरे लिए बेस्ट है
मैं उन्हें अपने वर्कआउट प्रोग्राम में रखता हूँ और उन्हीं पे फोकस करता हूँ, उन्हीं पे वर्क करता हूँ और उन्हीं पे बेटर होता हूँ। और यही मेंटेलिटी इंस्पायर्ड बैटमैन से ही है, क्योंकि वो हर चीज में बेस्ट होता है, वो एक पीक ह्यूमन होता है, जो मार्शल आर्ट्स में भी अच्छा होता है, वेट लिफ्टिंग में भी अच्छा होता है, रनिंग में भी अच्छा होता है, उसकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छी होती है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी मेंटेलिटी, उसका दिमाग, शरीर, सब कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो हर फील्ड में से कुछ ना कुछ बेस्ट चीज सीखता ही रहता है। तो बैटमैन की इस क्वालिटीज में काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ था, अपने वर्कआउट को उसी मेंटेलिटी के बेसिस पे मैंने डिजाइन कर रखा है। जो सबसे पहले नंबर पे लेसन है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो है नॉलेज इज पावर। आपके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, आप उतने ज्यादा बेटर होंगे, आपके पास उतनी ज्यादा पावर आएगी। अब जैसे कि अगर मैं अपने यहाँ पावर से मेरा मतलब ये है कि पावर टू ओवरकम योर चैलेंजेस, यानी आप जितनी ज्यादा नॉलेज रखेंगे आपके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे कि आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकेंगे, और वही पावर आपके पास आएगी कि आप अपने चैलेंजेस को बीट कर सकें। आज से 5-6 साल पहले की बात करूं, जब मैंने स्कूल टाइम पे सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना शुरू किया था, तब मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगता था हर दिन बहुत हार्ड ट्रेनिंग करने से रिजल्ट्स आते हैं, तो उस टाइम नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे करते हुए मुझे नॉलेज आई कि हर दिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं करनी होती, आप हर दिन हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आपको रेस्ट डेज रखने होते हैं, आप डीलोड वीक्स रखते हैं, जहाँ पे आप अपना वर्कआउट का जो वॉल्यूम है, बेसिकली आप कम वर्कआउट करते हैं, अगर आसान भाषा में बोलूँ, आप हाई इंटेंस वर्कआउट्स नहीं करते डीलोड वीक्स में। तो इन सब चीज़ों की मुझे धीरे धीरे नॉलेज हुई, और इसी नॉलेज की वजह से तो मैं कंसिस्टेंट हो पाया अपने वर्कआउट्स में। मेरे को जितनी ज़्यादा नॉलेज होती गई, मैं उतना बेटर होता गया इस फिटनेस फील्ड में, अपनी फिटनेस जर्नी में। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, इंक्रीज करेंगे अपनी, उतनी ही ज़्यादा फायदा होगा आपको आपकी जर्नी में, और आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। और यही चीज़ बैटमैन की सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है उसे, कि वो नॉलेज हर चीज़ की रखता है। वो इवन हर सुपर हीरो, हर सुपर विलन से अकेला फाइट कर लेता और उन्हें डिफीट भी कर देता, इवन उसने सुपरमैन को हरा दिया था, बिकॉज ही हैड नॉलेज कि सुपरमैन की वीकनेस क्या है और सुपरमैन की स्ट्रेंथ क्या है। उसकी वीकनेस को यूज करके उसने सुपरमैन को भी। तो बैटमैन जो होता है वो कहीं भी अनप्रिपेयर्ड नहीं जाता, अगर वो हर चीज की नॉलेज रखता है, हर चीज की इंफॉर्मेशन को स्टडी करता है, प्रिपेयर्ड रहता है हर चीज को, और किसी कोई भी टॉपिक हो चाहे वो उसके बारे में नॉलेज गेन करता ही रहता है, और वो किसी भी जगह पे अनप्रिपेयर्ड नहीं जाता विदाउट एनी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग। इसकी सबसे बेस्ट चीज ये लगती है कि नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे कि आप अपने चैलेंजेस को बीट कर सकेंगे और उनसे कुछ ना कुछ नया सीख के ग्रो होते रहेंगे। बैटमैन की इसी क्वालिटी से इंस्पायर होकर मैंने बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में फिटनेस बुक्स वगैरह पढ़ता था, फिटनेस से रिलेटेड जो भी होता था, और अब मैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ लेता हूँ अगर मुझे इंटरेस्ट आता है किसी भी टॉपिक में, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो या फिर वो नॉन फिटनेस रिलेटेड हो। तो ऐसे ही मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करता रहता हूँ ताकि मैं बेटर बन सकूँ। और दोस्तों, ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।